सिंधु दर्शन यात्रा को इस वर्ष 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य पर लेह लद्दाख में सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा 19 से 27 जून तक आयोजित होगी। सिंधु दर्शन यात्रा समिति एवं लेह लद्दाख प्रबंधक राष्ट्रीय मंत्री विजय छेलिंगप्पा ने बताया कि ये अति हर्ष का विषय है कि पहली बार इस प्रकार का ऐतिहासिक महाकुंभ मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से पूरे देश में चल रही है, साथ ही पंजीकरण भी हो रहा है। ये एक बहुत हर्ष की बात है, पूरे हिंदुस्तान के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए। हमने महाकुंभ जो है, कुंभ हरिद्वार में भी होता है, नासिक में भी होता है, प्रयागराज में होता है, अनेकों स्थानों पर हम कुंभ मनाते आ रहे हैं, किंतु ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और शुभ और एक मैं कहूँगा समृद्धि शांति विश्व शांति के लिए जो हमारे देश की नहीं दुनिया की जो सबसे पुरानी संस्कृति सिविलाइजेशन जिसको हम कहते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता, उस सिंधु नदी के तट पर जो है पिछले 25 वर्ष पहले इस यात्रा को हम लोगों ने प्रारंभ किया था सिंधु दर्शन यात्रा समिति के रूप में, किंतु इस बार इसकी रजत जयंती वर्ष के साथ साथ में सिंधु महाकुंभ की तैयारियां भी देश ही नहीं अभी तो पूरे संसार में जितने भी अपने सनातनी भाई हैं, किसी भी मत के हैं, पंथ के हैं, वो इसकी तैयारियां कर रहे हैं। और हम लोग जो है इस उत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ, राष्ट्रीय एकता के एक प्रतीक है, इसको इस बार लेह लद्दाख में जो कि एक बहुत ही अब हम देखा जाए तो सामरिक दृष्टि से, इसकी सुरक्षा की दृष्टि से, हिमालय की सुरक्षा की दृष्टि से, ये सब में जो एक बहुत बड़ा एक मेला इसमें रहेगा और इसमें ऐतिहासिक एक स्नान पहली बार जो है ये महाकुंभ मनाया जा रहा है, ये बहुत ही हर्ष की बात हमारे लिए है। कब से लेकर कब तक ये महाकुंभ मनाया जा रहा है और किस तरह लोग जो इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? जी, इसमें क्या है कि हमारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, फेसबुक में भी है, हमारी वेबसाइट भी है सिंधु दर्शन यात्रा समिति के नाम से। तो इसके बहुत से प्रेस नोट जो है पूरे देश भर में, हर प्रदेश में हमारी इकाइयां हैं, वहां पर अब अपने जो प्रदेश हैं, अब अपने जो भी प्रदेश की इकाइयां उस पर इसकी तैयारियां चली हैं। सिटी चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।